बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पलटे के साथ चाक दामन पर लेस लगाना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती है, इसके मैंने साइड की फ़िटिंग लगा ली है। अब हम इस पर ये लेस अटैच करेंगे पलटे के साथ। तो साइड में मैंने 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ा है कपड़े का, और ये पट्टी मैंने तैयार कर ली है। इसकी हम पलटा लगाएंगे। पट्टी मैंने ली है 2 इंच के जितने चौड़ी, 2 इंच की चौड़ी पट्टी इसमें बिल्कुल काफ़ी रहती है पलटा लगाने के लिए। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके पहले हमें आयरन कर लेना है, ताकि जब हम पट्टी लगाएं तो हमें आसानी भी हो और सफाई के साथ हमारी पट्टी अटैच हो जाए। अगर पट्टी में कहीं पर बीच में आपको जोड़ देना हो तो जोड़ पर भी हम इस तरीके से खोल कर इस्तरी लगा लेंगे, ताकि कपड़ा हमारा मोटा ना हो और सफाई के साथ हमारी सारी पट्टी अटैच हो जाए। इसके लिए मैंने GPO की लेस ली है, जो आमतौर पर हम शर्ट्स में पलटे के साथ लगाते हैं। तो इस लेस को हम इस तरह से रखेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है, और यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे। इस तरह खोल के हम चाक को रखेंगे, चाक वाली साइड को। साइड से हम थोड़ा सा बेल को इस तरह से कट कर लेंगे, और इसको चाक जहाँ से हमारा चाक शुरू हो रहा है वहाँ से 1/2 इंच 1/4 इंच जितना ऊपर हम इसको रख के सेट कर लेंगे। फिर हम पट्टी लेंगे, पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर रखेंगे। जहाँ से हमारा चौक स्टार्ट हो रहा है वहाँ से 1/4 इंच ऊपर हमें ये रखना है, 1/2 से 1/4 इंच, और यहाँ से फिर हम इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। किनारे किनारे पे सिलाई लगाना है। बेल को हम जितना हमें शो करनी है उतनी ही हम बाहर की तरफ रखेंगे, बाकी हम पट्टी के नीचे छुपा देंगे। इसमें हम बेल और पट्टी को एक साथ अटैच कर रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से लगाने से आपके ड्रेस का लुक बहुत खूबसूरत आता है, और कॉर्नर भी बहुत नफासत के साथ बनते हैं। तो इस तरीके से हम देखें किनारे किनारे पे सिलाई लगा के बेल को अटैच कर लेंगे पट्टी के साथ। पट्टी को और बेल को हमें खींचना नहीं है, बहुत हल्के हाथ के साथ लगाना है, ताकि कोई इसमें झोल पैदा ना हो। अब देखें चौक तक आकर इसकी सिलाई को हम आगे ले जाएंगे कॉर्नर बनाने के लिए। जहाँ पर हमारा ये दामन ख़त्म हो रहा है वहाँ से 1/2 इंच आगे की तरफ सिलाई लगा के हम धागा काट लेंगे, और फिर इसका कॉर्नर बनाएंगे। पट्टी को इस तरीके से बैक साइड पे फोल्ड करेंगे जैसे आपको नज़र आ रहा है, और फोल्ड करने के बाद इसको सेट कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम नीचे से इसको यहाँ कोने से पकड़कर यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखें इस तरीके से। तो आपका ये कॉर्नर बहुत ही परफेक्ट बैठेगा, बिल्कुल भी इसमें आगे पीछे नहीं होगा ये। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इस तरीके की मदद से पट्टी को रेडी कर लें, तो आपका ये कॉर्नर बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे किनारे से, सिलाई को डबल करते हुए, ताकि धागा बाद में ना निकले। 1/2 इंच कपड़ा मैं इसमें स्विंग अलाउंस में ले रही हूँ। 1/2 इंच का दबाव देते हुए दामन पे भी हम सीधे सीधे लगाते हुए आएंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारा ये परफेक्ट कॉर्नर इसका तैयार हो जाएगा। मैंने इसमें सेम कलर का पलटा लिया है, आप कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं। हल्के हाथ के साथ हम पट्टी और बेल को अटैच करते हुए आगे की तरफ आएंगे, और बेल इसमें अटैच करते चले जाएंगे। ये कुर्ती है इसलिए इसके चाक छोटे हैं, नॉर्मल शर्ट के बड़े होते हैं। अब इसी तरह से कॉर्नर किम पे आकर हम धागा काट लेंगे, 1/2 इंच आगे की तरफ सिलाई ले जाकर धागे को काट लेंगे। फिर हम इस तरह से इसको फोल्ड करके इसका कॉर्नर बनाएंगे, और यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ दबाव में देते हुए इसको फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर भी इसमें तैयार हो जाएगा। बहुत आसान तरीका होता है पलटे के साथ ये लेस अटैच करने का। आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी सफाई के साथ एक ही दफा में लेस के साथ ये पलटा अटैच करना सीख जाएंगे।
तरह से सिलाई करते हुए हम ऊपर चाक की तरफ आ जाएंगे और अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। ऊपर आके चाक के पास हम ऊपर 1.25 इंच के जितना गैप छोड़ के हम अपने एक्स्ट्रा कपड़े को और लेस को काट लेंगे। कपड़े को भी हम इसमें से काट के अलग कर लेंगे और इसे फोल्ड करके अपनी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए यहाँ पर निकाल लेंगे सिलाई को। अभी सिलाई हमारी लग चुकी है दोनों साइड की। हम इस पे इस तरह से आयरन कर लेंगे, पहले इसको अच्छी तरह से बिठा लेंगे, फिर हम इसमें दूसरे साइड की सिलाई लगाएंगे। तो मैंने देखे आयरन से इसको बिठा लिया है, अब सिलाई लगाना इस पर बहुत आसान होगा। आयरन से बिठाना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपके काम में सफाई भी आएगी और आसानी भी रहेगी। अब बैक साइड से मैं इसको, जो शर्ट की बैक साइड है वहाँ से मैं इसको पलटना शुरू कर रही हूँ। यहाँ से बीच से मैंने इसकी सिलाई स्टार्ट की है सिलाई लगाते हुए, फिर मैं फ्रंट साइड पर चली जाऊँगी। तो बैक साइड वाले दामन से मैंने ये शुरू किया है चाक से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर फोल्ड हुआ हुआ था बस उसके किनारे किनारे हम सिलाई लगाते हुए कॉर्नर पर आएंगे। सुई को अंदर रखते हुए हम अपना कॉर्नर बनाएंगे किनारे तक सिलाई ले जाके, फिर सुई को अंदर रख के उसी सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे और फिर सिलाई को आगे ले जाएंगे। तो ये इतने आसान तरीके के साथ आप कॉर्नर बना सकते हैं। ये वाला तरीका आप फॉलो करेंगे तो आपका कॉर्नर बहुत सफाई के साथ बनेगा। और आप पलटे के साथ बेल भी देखें आप कितनी सफाई के साथ इसमें लगी है, कहीं से आगे पीछे नहीं हुई है। दूसरे कॉर्नर पे भी हम इसी तरीके से सुई को अंदर रख के इसमें सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाएंगे और चाक की पट्टी पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई हमारी सीधी सीधी आए, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अब यहाँ से हम इधर किनारे पर आकर सुई को अंदर रखकर आगे की तरफ जाएंगे। बिल्कुल बराबर से यहाँ से हमें पट्टी फोल्ड हुई भी होगी पहले से, बस उसी पर सिलाई लगाते हुए अब हम फ्रंट साइड के चाक दामन पर आ जाएंगे। यहाँ से हमें बेल को ज़रा सेट करना होगा, जिस रुख की बेल होगी बेल को उसी रुख पर रखकर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सीधी सीधी सिलाई लगाते हुए ये मैं फ्रंट साइड पे आ गई। अब यहाँ पे भी हम चाक की सिलाई लगाते हुए नीचे दामन पे जाएंगे और जैसे हमने पहले कॉर्नर की सिलाई लगाई थी वैसे ही इसके कॉर्नर पे भी सिलाई लगाएंगे। तो देखें इस तरीके करने का कितना फ़ायदा हुआ कि हमारी सिलाई का काम हल्का हो गया और हमारे काम में सफाई भी आ गई। तो जहाँ पर आयरन करना ज़रूरी होता है वहाँ पर ज़रूर किया करें, उससे जब आखिर में आपकी चीज़ बन के सामने आती है तो उसमें अलग ही सफाई नफासत होती है और आपका काम भी आसान हो जाता है। इसी तरीके से सारे कॉर्नर्स बना के हम अपनी शर्ट को कंप्लीट कर लेंगे और उस पर एक दफ़ा और आयरन करके फिर मैं आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें आपके सामने कितनी सफाई के साथ इसमें ये पलटा लगा है और पलटे के साथ हमने लेस अटैच की है, कॉर्नर कितने अच्छे बने हैं। इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए जब आप लगाएंगे तो आपकी शर्ट में भी ऐसे ही बेल अटैच होगी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। कॉर्नर्स का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जितने अच्छे कॉर्नर बनते हैं शर्ट उतनी ही खूबसूरत लगती है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।